हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक पांडे फार्मेसी क्लास। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट यूनिट जो कि फ्लो ऑफ फ्लूइड है। उसमें तीन लेसन्स हैं जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, फ्लो ऑफ फ्लूइड, साइज रिडक्शंस एंड अलग अदर थिंग्स। तो आज हम बात करेंगे फ्लो ऑफ फ्लूइड्स की। तो पहले हम जान लेते हैं फ्लूइड्स क्या होता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि मैटर थ्री टाइप्स के होते हैं। आइए देखते हैं, पहले मैटर जो है हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तो हमें सबको मालूम है। तो हम देखेंगे क्या, चैप्टर का नाम है फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लो मीन्स बहना, तो सॉलिड जो है वो बह नहीं सकता, तो रह गया लिक्विड एंड गैस। ये बिल्कुल इजी है, आप इसको एकदम ध्यान से बैठा लो। तो लिक्विड और गैस का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम बोलते हैं फ्लूइड। मतलब वो आइदर लिक्विड हो, आइदर गैस हो। इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो सिर्फ लिक्विड हो या सिर्फ गैस हो या सिर्फ लिक्विड और गैस दोनों मिक्स हो। तो लिक्विड और गैस फ्लूइड है क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं। और सॉलिड क्यों नहीं फ्लो कर सकता? जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें ब्रिक्स का, ये ब्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। फिर अगर इसको हम स्ट्रेस देते हैं, ये हम स्ट्रेस दे रहे हैं, अगर हम इसे स्ट्रेस देते हैं, एक प्रेशर लगाते हैं, तो ये जो ब्रिक्स है ऐसे आ जाएगा। फिर इसको ऐसे करते हैं, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाता है। लेकिन ये जो अपने शेप है इसको रिटेन रखता है, इसको कॉन्स्टेंट रखता है, ये अपने शेप को नहीं बदलता। लेकिन जब हम बात करें कि ये लिक्विड है और ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो ये जब लिक्विड कंटेनर के अंदर है तो ये शेप जो है वो कंटेनर का रखा है। अगर इसको हम ऐसे गिरा दें, इस पानी को या इस लिक्विड को गिरा दें, तो ये जैसा जैसा पाथ मिलेगा इसको, वैसा वैसा ये फॉर्मेशन करेगा अपने शेप का। उसी तरीके से गैस, तो ये फ्लो किया और ये प्रेशर लगाने पे फ्लो कर रहा है और जो शेप है वो चेंज कर रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम डेफिनेशन देखें फ्लूइड की, एनी सब्सटेंस इन विच वी अप्लाई शियर स्ट्रेस, ऐसे सब्सटेंस जिसमें हम स्ट्रेस या प्रेशर लगाते हैं और उसके शेप जो है वो चेंज हो जाते हैं, या तो इसको हम बोल सकते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ शेप। डिफॉर्मेशन ऑफ शेप भी बोल सकते हैं कि जो शेप है उसका वो फिर से फॉर्म हो रहा है किसी भी तरीके का। तो ये हो गया फ्लूइड। हम ये फ्लूइड जान गए क्या होता है। तो लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड बोलते हैं। अब बात करते हैं फ्लूइड प्रेशर की, या तो इसको हम और भी एक नाम बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये आ गया, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर अभी हमें आगे काम देगा। हम जब आगे मैनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे तो हमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बारे में जानना होगा। तो आइए हम देखते हैं फ्लूइड प्रेशर क्या होता है दोस्तों। तो फ्लूइड प्रेशर, अगर ये कंटेनर है इसमें फ्लूइड फिल है, तो ये फ्लूइड जो फिल है इसमें अगर हम कहते हैं ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, तो दोस्तों जो भी उसके एटम्स हैं, फ्लूइड के एटम्स हैं या लिक्विड के एटम्स हैं, वो आपस में एक दूसरे में कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। कोई डाउनवर्ड प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, कोई अपवर्ड एग्जर्ट कर रहा है। तो ये सब होता किसके वजह से है? ये इनके हाइट डिफरेंस की वजह से हो रहा है। तो जैसे प्रेशर लग रहा है वैसे लग रहा है। तो अगर हम बात करें पॉइंट ए की, जस्ट अ मिनट, अगर हम बात करें पॉइंट ए की, तो ए से बी की जो हाइट है उसको हम बोल सकते हैं कि ये एच वन है। फिर जब बात करते हैं बी से सी की हाइट, तो ये एच टू है। और बात करते हैं ए से सी की हाइट, तो ये एच थ्री है। और पॉइंट ए की जो है, अगर लिक्विड यहां तक फिल है, तो पॉइंट ए की भी कोई हाइट है जिसको हम बोल लेते हैं एच ए। तो हम देखते हैं क्या है फ्लूइड प्रेशर है क्या। तो प्रेशर इक्वल्स टू, हम पढ़े हैं रो जी एच, ये हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। हाइट जैसे ही बढ़ेगा प्रेशर जो है उतना ही बढ़ता जाएगा। हाइट जितना कम होता जाएगा प्रेशर जो है उतना कम होता जाएगा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब बात करें रो की, तो रो मतलब हो गई डेंसिटी। जो लिक्विड हमने लिया है उसकी डेंसिटी क्या है, किस तरीके का लिक्विड है, ऑयल है, वाटर है, कैसा डेंसिटी है उसकी, हायर डेंसिटी है, लोअर डेंसिटी है। जी ग्रेविटेशनल फोर्स, एयर है, एयर भी यहाँ एक्ट कर रहा है, एटमोस्फेयरिक प्रेशर भी एक्ट कर रहा है, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, वैक्यूम प्रेशर, एटमोस्फेयरिक प्रेशर, तो ये सारे जो प्रेशर्स है, गॉज प्रेशर, ये सारे जो प्रेशर, गॉज प्रेशर होता है जो एनवायरमेंट या एटमोस्फेयर प्रेशर के रिलेटिव में काम करता है। तो हमें सीधे सीधे समझना क्या है, फ्लूइड प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच। रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हाइट, एच इज द हाइट, हाइट बिटवीन द लिक्विड। तो अगर हम बात करें, अगर हम पी ए के बारे में बात करें, हम जानना चाहते हैं पी ए पे क्या प्रेशर लग रहा है,
तो रो वही रहेगा, जी वही रहेगा, और एच हमने क्या माना है, ए के लिए है एच ए, तो ए हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें पॉइंट बी के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा रो जी एच वन। इसी तरीके से ये सारे के प्रेशर्स निकल जाएंगे, तो प्रेशर इक्वल्स टू रो जी एच। और इसको हम अगर हम पहले देखें तो अगर हम ये भी बोल सकते हैं प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स लग रहा है। अगर हम इस ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे हम ऐसे प्रेशर लगा रहे हैं, ये प्रेशर लगा रहा है, तो क्या लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, और इतने ही एरिया पे लग रहा है, जिस एरिया पे लग रहा है, तो प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कितना फोर्स, ज्यादा एरिया पे लगाएंगे तो फोर्स जो है वो कम लगेगा, ऑटोमेटिक प्रेशर कम लगेगा। अगर कम एरिया पे अगर इसको हम ढकेलना चाहें तो हम ढकेल सकते हैं, किसी भी छोटी चीज का एग्जांपल ले लें, अगर आप छोटी सी गाड़ी को अगर ढकेलना चाहो तो ढकेल लेते हो, और ट्रक को ढकेलना चाहो ढकेलोगे नहीं, क्योंकि उसकी एरिया जो है वो ज्यादा है। तो एरिया कम रहेगा तो प्रेशर जो है आप लगाओगे कम लगाओगे, और फोर्स भी हो ज्यादा लगेगा, जितना प्रेशर लगाओगे उतना। तो इस हिसाब से फ्लूइड इक्वल्स टू, पहले हम जान लेते हैं प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, किस एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं, फिर हम बात करते हैं। तो फ्लूइड प्रेशर इक्वल्स टू प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच अकॉर्डिंग टू हाइट फ्लूइड प्रेशर होता है। देखिए दोस्तों, इसमें हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है मैनोमीटर के बारे में। तो हम जान ले करेंगे मैनोमीटर की। देखिए दोस्तों, ये इस यूनिट का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हमेशा पूछता भी और पूछेगा भी, व्हाट इज मैनोमीटर। तो बात करें डेफिनेशन की, तो मैनोमीटर आर डिवाइस आर डिवाइसेस इन विच कॉलम ऑफ अ सूटेबल लिक्विड आर यूज्ड टू मेजर द डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ टू पॉइंट्स ऑन बिटवीन अ सर्टेन पॉइंट एंड एटमोस्फियर। तो दोस्तों, डेफिनेशन का मतलब पहले से, मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि प्रेशर डिफरेंस को मापता है, वो उसको मेजर करता है। तो जैसे अभी हम बात किए थे, एक एलिमेंट था ए, एक एलिमेंट था बी, अगर ये दो लिक्विड है एक ही कंटेनर में या कैसे भी, ये दो लिक्विड है, अगर इसके प्रेशर्स को हमें मेजर करना है कि ये ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है या ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो इन्हीं दोनों के प्रेशर डिफरेंस को जो मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं मैनोमीटर। जो फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है, फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसके कौन सा फ्लूइड कितने प्रेशर से फ्लो कर रहा है, कितने फोर्स से फ्लो कर रहा है, इसी को मेजर करने के डिवाइस को हम बोलते हैं मैनोमीटर। ठीक दोस्तों, एकदम क्लियर। तो हम बात करेंगे सिंपली पूछता है मैनोमीटर व्हाट इज मैनोमीटर, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो ये दो टाइप्स के होता है, एक सिंपल मैनोमीटर होता है, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। तो सिंपल और डिफरेंशियल, तो जो सिंपल और डिफरेंशियल क्या होता है, सिंपल मैनोमीटर वो मैनोमीटर होता है, ऐसे मैनोमीटर की जिससे हम प्रेशर जो है सिर्फ एक पॉइंट का मेजर करते हैं। अगर हमें किसी एक पॉइंट का प्रेशर मेजर करना है तो उसे हम सिंपल मैनोमीटर की हेल्प से वो कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको याद करने होंगे, इसके आगे अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे। पहला है पेजोमीटर, फिर है यूट्यूब, YouTube हमारे एक सर भी हैं, उनका भी नाम YouTube है, तो एक YouTube सिंपल मैनोमीटर है। फिर हम बात करेंगे सिंगल कॉलम मैनोमीटर, तो तीन हो गए, पिजोमीटर, YouTube और सिंगल कॉलम, ये तीनों सिंपल मैनोमीटर्स के एग्जांपल्स हैं। और फिर बात करते हैं डिफरेंशियल के, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर्स ऐसे मैनोमीटर्स होते हैं जब हम किसी दो या दो से ज्यादा फ्लूइड्स के डिफरेंस के बीच में, या दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स के अगर फ्लूइड के प्रेशर्स को अगर हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर, देन वी ऑलवेज यूज द डिफरेंशियल मैनोमीटर, बिकॉज वी हैव टू डिफरेंस बिटवीन टू प्रेशर्स एट टू डिफरेंट लेवल ऑफ पॉइंट्स, तो इसीलिए हम डिफरेंशियल मैनोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी पहला जो है यूट्यूब है, यूट्यूब डिफरेंशियल, इसका नाम याद करना है आपको यूट्यूब डिफरेंशियल से। आपने इसको कहाँ पढ़ा, YouTube में पढ़ा, तो ये याद हो गया, एक YouTube ये, एक YouTube ये। फिर ये सिंगल कॉलम है, सिंपल से सिंगल याद कर लो, जो सिंपल वो सिंगल, सिंगल कॉलम। और फिर रह गया पीजोमीटर, तो उसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, तो वो याद हो जाएगा। फिर डिफरेंशियल में YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर है। फिर आगे बात करें तो एक इन्वर्टेड है, उल्टा पैदा हुआ था ये, इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर। फिर बात करें तीसरा जो है वो डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसका नाम ही है। ठीक,
तो हम जान गए सिंपल मैनोमीटर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे प्रेशर मेजर करने के लिए जिसको यूज करते हैं वो है सिंपल मैनोमीटर। दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम प्रेशर मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर्स का एग्जांपल है पिजोमीटर, यूट्यूब सिंपल मैनोमीटर एंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर्स। डिफरेंशियल का है यूट्यूब एंड सेकंड इज इन्वर्टेड एंड थर्ड इज डिफरेंशियल। तो आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं पिजोमीटर के बारे में, थोड़ा ही से देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। तो पिजोमीटर जो होता है वो थोड़ा इस टाइप में होता है, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं बना रहा, इसी टाइप का होता है। इसमें जो है हमारा फ्लूइड भरा रहता है। इसमें एक खासियत क्या होती है, जो हमारा पिजोमीटर होता है उसका एक एंड तो बंद रहता है, एंड क्लोज होता है, लेकिन दूसरा एंड जो है वो एटमोस्फियर के कॉन्टेक्ट में होता है, जिससे कि एटमोस्फियरिक प्रेशर भी इस पर लगता रहे। और मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए है। पॉइंट ए क्या मतलब कि एक एक ही सब्सटेंस इसमें है पॉइंट ए, तो इसकी कुछ डेंसिटी होगी जो कि है रो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और उसके बाद ग्रेविटी तो लगी रही है। अब बचा हाइट के बारे में, तो हाइट जो है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक राइज करेगा हाइट, ओके। तो ये जो है हमारा पिजोमीटर का क्या होता है कि ये गॉज प्रेशर मेजर करता है। व्हाट इज मेजर्स? गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या होता है? गॉज प्रेशर हम जाने द प्रेशर मेजर्स रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज गॉज प्रेशर। ऐसा प्रेशर जो कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिहाफ पे उसको रिलेटिव रख के, मतलब ये एक एंड क्लोज है एक एंड खुला हुआ है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना इस पे लगेगा, जितना फोर्स इस पे लगेगा अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया, और जितना इसकी हाइट बढ़ेगी उतना प्रेशर जो है वो लगेगा। तो ये गॉज प्रेशर पे बेस्ड होता है इसका प्रिंसिपल। और दूसरी अगर बात करें तो इसका लिमिटेशन भी यही होता है कि ये, पहले तो बात कर लें कि इसका प्रिंसिपल, तो इसका प्रिंसिपल जो होता है वो हाइड्रो स्टैटिक होता है। अभी हमने बात की थी ना कि फ्लूइड प्रेशर, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे बेस्ड होता है इसका प्रिंसिपल। तो अभी हमने बात की थी फ्लूइड प्रेशर की, रो जी एच, हाइट के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है, तो उसी पे ये बेस्ड है पिजोमीटर, जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे बेस्ड प्रिंसिपल इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। इसका लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे ओनली फॉर वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये प्रेशर मेजर कर सकता है। दूसरा ये कि इट्स ओनली मेजर्स गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर मतलब सिर्फ ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग ही, रिलेटिव में ही बता सकता है, रिलेशन जो है उसका सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही। जैसे कि अगर आप जब भी बात करो तो सिर्फ फार्मेसी से ही करो, फार्मेसी के अलावा कुछ मत करो, तो गॉज प्रेशर जो है वो सिर्फ फार्मेसी की बात करता है, मतलब कि सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग ही बात करता है, उसके अलावा ये कोई बात करता ही नहीं, कहता है मेरे पास और कुछ है ही नहीं, तो इसी तरीके से ये होता है। तो यही है आपका पिजोमीटर। फिर हम आगे और भी मीटर्स बात करेंगे, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे साइज रिडक्शन के बारे में, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लें उसको, और लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।